सुन, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, शाम को तुम घर आ रहे हो या नहीं? ओ डार्लिंग, पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाने दो। मिस्टर रणविजय, अगर शाम को तुम घर नहीं आए और मेरे डैड ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी ना, तो तुम सोचना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम पैर पे खड़े होने लायक तो दूर, जॉगिंग करने लायक भी नहीं रहोगे। ओ प्रीति सुनो, मजाक कर रहा था बाबू। अरे भाई कितने बजे आना है अंकल से मिलने? तुम और घर आ रहे हो? अफकोर्स। और तुम्हारी जॉब? मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ। सच? हाँ। कहाँ? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे डार्लिंग, इसीलिए तो मैं तुम्हें पार्क की जगह यहाँ लेकर के आया हूँ। यहाँ क्यों? अपना नया ऑफिस दिखाने के लिए। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? दिखाना। हो रहा। Oh my God, लाश। सर हो सकता है इस आदमी ने आत्महत्या की हो। फिर इसे लटक के मरना होता तो अपने घर पे भी लटक के मर सकता था। ऐसे दो ऊंची बिल्डिंग के बीच में लटकना लॉजिकल लगता मुझे। लेकिन सर अगर ये खून है तो खूनी को लाश को किसी सुनसान जगह में काट देनी चाहिए। क्यों इस तरह शहर के बीचों बीच लाश की नुमाइश क्यों करता? श्रेया, लाश छुपाना खूनी का मकसद नहीं होता। अलग अलग खूनियों के दिमाग में अलग अलग किस्म के फितर होते हैं। संभाल के। शरीर पे कोई चोट या घाव का निशान तो दिख नहीं रहा है। तो इसकी मौत कैसे हुई होगी? सर हो सकता है इसे यहाँ लटका के मारा हो। जिंदा आदमी को ऐसे दो ऊंची बिल्डिंग के बीच में लटकाना कोई आसान बात नहीं है श्रेया। आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा। सर इसका मतलब इसकी मौत पहले ही हो चुकी होगी जब खूनी ने इसकी लाश को ऊपर टांगा होगा। हो सकता नहीं। एक आदमी को ऐसे लटकाना किसी अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। दो तीन लोग होंगे साथ में। हाँ सर, लाश को यहाँ से वहाँ तक लेके जाना और उसे लटकाना है। ये सब करने में किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा उन्हें। सर जेब बिल्कुल खाली है, मोबाइल, पर्स कुछ नहीं है। इस आदमी ने महंगी घड़ी पहनी हुई है, मतलब ये खून लूटने के इरादे से नहीं हुआ है। श्रेया, निखिल, इस बिल्डिंग के टेरेस पे जाके देखो। खूनी ने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा इस बिल्डिंग के छत पे। यहाँ बिल्डिंग के छत पे बांधी गई है, मतलब खूनी लाश को लेके यहाँ पे आया था। सर सामने के टेरेस से ये लोहे का एंकर मिला। एंकर? मतलब खूनी ने इस एंकर को रोप गन से उस बिल्डिंग के छत पे फेंका और उसके बाद इस पुली की मदद से लाश को रस्सी से बांधकर बीच में लटका दिया। बहुत बड़ी प्लानिंग की है इस खूनी ने, हाँ? उस लाश को लटकाने के लिए। ये सब करके साबित क्या करना चाहता था वो? सर शंभू है इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड। शंभू, जो लाश थी नीचे, तुम पहचानते हो उसे? हाँ साहब, पहचानता हूँ। वो सुधांशु जी है। इसी बिल्डिंग के 7वें माले पर ऑफिस है उनका। खूनी भी इसी बिल्डिंग में था और तुम भी यहीं पर थे। तुम्हारे रहते सब कैसे हो? पता नहीं साहब, पर कल रात को 8 बजे तक तो मैंने सुधांशु जी को ऑफिस में ही काम करते हुए देखा था। 8 बजे के बाद कौन कौन आया था इस बिल्डिंग में? 7:30 बजे के बाद इस बिल्डिंग में कोई नहीं आया साहब। सर इसका मतलब ये खूनी 7:30 बजे से पहले ही बिल्डिंग के अंदर घुस गया था। और जैसे ही मौका मिला सुधांशु को मार दिया इसने। रात 8 बजे और कौन कौन था इस बिल्डिंग में सुधांशु के अलावा? सुधांशु जी अकेले ही थे शायद। शायद मतलब ठीक से याद नहीं है। वो ऐसा है ना मैडम, हमारी ड्यूटी तो बिल्डिंग के गेट पर रहती है और इस बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिस हैं, तो अब सब जगह तो ध्यान नहीं रखा जा सकता ना। छत तो एक ही है ना, तो तुम्हारे रहते वो खूनी इस बिल्डिंग की छत पे आया कैसे? सोसाइटी वालों ने सभी ऑफिस वालों को एक एक चाबी दे रखी है, तो उसी ऑफिस की चाबी से छत का दरवाजा खोला गया होगा साहब। कल रात 8 बजे के बाद तुमने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी इस बिल्डिंग में? नहीं साहब, कोई आवाज़ नहीं सुनी। जब देर रात तक सुधांशु ऑफिस से नीचे नहीं आया तो तुमने ऊपर जाके चेक नहीं किया? साहब सुधांशु साहब रोज देर रात तक ऑफिस में काम किया करते, तो हमने सोचा कि आज भी वो नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे। लगता है खूनी सुधांशु के कोई आसपास वाला ही है, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि सुधांशु को कब और कहां मारना है। ये देख रहे हैं आप, बस सुधांशु के सर पर यहां किसी भारी चीज से वार किया गया है। यार सालून की ये कोई चोट है ही नहीं, सूजन है सूजन। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इतनी सी सूजन की वजह से सुधांशु की मौत हो गई? नहीं, इस चोट की वजह से शायद सुधांशु बेहोश हुआ है। अगर इस चोट की वजह से ये बेहोश हुआ है तो फिर मौत कैसे हुई इसे? दूसरे जख्म का निशान दिख नहीं रहा। जहर से। देखा कितनी ब्रिलियंट है तारिका जी, मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब इनके पास रेडी रहता है। ये कौन सा जहर है? एथिल सैंडाइल ट्राइऑक्साइड। एथिल सैंडाइल ट्राइऑक्साइड, यार सालुंखी ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ लगता है। एथिल सैंडाइल ट्राइऑक्साइड, यार ये तो वही जहर है ना, स्लो पॉइजन, जो अविनाश कुमार के केस में इस्तेमाल हुआ था। देखा, इसे कहते हैं याददाश्त। कमाल है प्रतिमा, तुम्हारी याददाश्त अभी भी चीते की तरह से फुर्तीली है। ये वही स्लो पॉइजन है, वही जिसकी वजह से इंसान की मौत होने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। मतलब सर, पहले खूनी ने सुधांशु को जहर दिया, उसके बाद इसे छत पे ले गया और किसी भारी चीज से इसे मार के बेहोश किया और उसके बाद इसे रस्सी पे लटका दिया। पर सर, खूनी इतना झमेला करेगा क्यों? वो चाहता तो सुधांशु को एक आसान मौत दे सकता था ना। तड़पा तड़पा के मारना चाहता था वो सुधांशु को, तड़पा तड़पा के। ये खूनी है कोई सरफिरा। सर मुझे लगता है ये खून आपसी दुश्मनी की वजह से किया गया है, वरना किसी को मार के ऊपर लटकाने की और कोई वजह नजर नहीं आ रही है सर। हाँ अभिजीत, सही कह रहे हो तुम। और फिर जिस तरह से खून किया गया है, लगता है खूनी कुछ कहना चाहता था। शायद किसी को धमकी दे रहा है। और प्लानिंग भी खूब की इस खून के लिए सर, पहले से ही ऑफिस के बिल्डिंग में जाकर छुप के बैठ गया और जैसे ही मौका मिला अपना काम कर दिया। अच्छा, माउंटेनियरिंग का सामान जो मिला है, पता चला किस दुकान से खरीदा गया है? सर दुकान का पता लग गया है, अंधेरी में। अंधेरी में? जाओ उस दुकान में और पता लगाओ किसने खरीदा था वो माउंटेनियरिंग का सामान। और अभिजीत, सुधांशु की बीवी से जाकर मिलो और उससे सुधांशु के बारे में सब कुछ पता लगाओ, सब कुछ। कीजिएगा, हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन सुधांशु के खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जी पूछिए दीदी। आप? जी ये मेरी बहन निशा है। अच्छा, सुधांशु के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? I mean, कोई खास बात? जी खास, हाँ उन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता था। ऊंचाई से डर लगता था? फिर तो शायद ये बात खूनी भी जानता होगा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में सुधांशु किसी बात को लेकर परेशान थे? हाँ, वो पैसों को लेकर बहुत परेशान थे। पैसों को लेकर? क्यों? पता नहीं सर, लेकिन हर महीने के पहले शुक्रवार को वो बैंक से बहुत सारे पैसे निकाल लेते थे और वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता था। हर महीने के पहले शुक्रवार को? जी सर। कितना कितना पैसा लाते थे? 1,40,410 रुपए। क्या? 1,40,410 रुपए हर महीने? जी सर। सर ये चक्कर क्या है? कहीं सुधांशु जी को हर महीने में EMI की कोई किस्त तो नहीं चुकानी पड़ती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो हर महीने इतने पैसों का करते क्या थे? पता नहीं। आपने कभी पूछा नहीं उनसे? मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो टाल देते थे। जीजू को पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती थी कि एक बार तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि मैं उन्हें कितने रुपए उधार दे सकती हूँ। अच्छा, आखिर सुधांशु को पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी? हर महीने 1,40,410 रुपए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या देखेंगे सर आप? हाइकिंग वगैरह करते हैं? हाँ, कभी कभी करते हैं। हाइकिंग का सारा सामान मिलता है हमारे पास। वैसे कुछ सामान तो हम साथ में लेकर आए। क्यों? हम लोग CID से। सच में? ये देखिए। और ये बताइए कि सामान आपके यहाँ से खरीदा गया है क्या? हाँ सर, ये सामान रसिया में बनता है और सिर्फ मेरी ही दुकान पर मिलता है। आप बता सकते हैं किसने खरीदा होगा? क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, इसी चीज से खून हुआ है। सर ये तो पहाड़ पर चढ़ने का सामान है, कोई चाकू बंदूक तो है नहीं? वो तो है, लेकिन क्या है कि आजकल खूनी खून करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आप रजिस्टर वगैरह चेक कीजिए, कंप्यूटर देखिए, बताइए किसको बेचा होगा। इस सामान पर जो बैच नंबर का स्टिकर होता है वो हटा दिया गया है। अब ये बताना मुश्किल है कि इसे किसने खरीदा था। कोई मुश्किल नहीं होगा। हमें ये मत बताओ कि पूरा शहर ऐसा सामान खरीदता रहता है। महीने भर में एक आध आदमी खरीदता होगा। ये कब खरीदा गया सर, ये तो पता चलना चाहिए। पिछले एक साल में किस किसने खरीदा देखो। ओके सर। मिल गया सर, 10 लोगों ने। देखा, सिर्फ 10 लोगों ने। सर 10 लोगों का नाम पता नंबर तो मिल ही सकता है। शुरू हो जाओ। कल सुधांशु अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। हाँ, कल दोपहर को। और सर जब कल निकले ऑफिस से तो उनके पास एक बैग था, पर जब वापस आए तो वो बैग उनके पास नहीं था। सर जरूर उसके बैग में वही पैसे होंगे। हो सकता है। अच्छा ये कितने बजे गए? दोपहर के 1:30 बजे। 1:30 बजे? और कितने बजे वापस आए थे? जल्दी आ गए थे, 1:45 के आसपास। 1:45 बजे? मतलब 15 मिनट के अंदर वापस भी आ गए? मतलब सर ये सुधांशु कहीं आसपास ही गया होगा। हाँ सर, पैदल ही गए थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पैदल गए थे? अच्छा। तो जब ये वापस आए थे तो कैसे दिख रहे थे? आई मीन उनका बर्ताव कैसा था? उनका बर्ताव तो वैसा ही था, पर उनके कपड़े। कपड़े? क्या हुआ था कपड़ों में? उनके कपड़ों पर सीमेंट लगा हुआ था। सीमेंट लगा हुआ था? जी हाँ, सीमेंट। और उनके कोट पर पेंट के निशान भी थे। पेंट के निशान? हाँ, हल्का सा पीला रंग का था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सीमेंट और पेंट के निशान, इसका मतलब सुधांशु किसी ऐसी जगह गया था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पेंटिंग का। सर चलो जरा ऑफिस के आसपास चेक करते हैं। मिस्टर राजीव, 15 तारीख को आपने M&N माउंटेनियरिंग से कुछ सामान खरीदा था क्या? हाँ। तो वो सामान मैं देख सकता हूँ? पर किस लिए? मैं CID से। एक काम करो, आसपास देखो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिलती है क्या, चेक करो। आप रेडी? बैठ तो नहीं गया? अरे नहीं सर, यहाँ कहाँ बैठने की जगह है, बस वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिल जाए वहीं पे बैठूंगा। हाँ, तुम्हारा क्या हाल है? अच्छा हाँ, रुको आता हूँ। अच्छा तो ये है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, यहाँ पे पैसों का बैग लेके आया था सुधांशु। लगता तो ऐसा ही है सर। जरा देखें कैसा पान बनाता है ये। ड्यूटी पे पान? पूछ मत भाई, बड़े टेढ़े आदमी है, न जाने कब क्या कर बैठेंगे। क्या है? क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ? कुछ नहीं सर। तुमने कुछ बोला क्या? अरे सर मैं क्यों कुछ बोलूं, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे कान बज रहे हैं। हाँ? चलो। अरे सुनो, इसे पहचानते हो? ये कौन है साहब? ये कल दोपहर को यहाँ पे आया था, 1-1:30 बजे के बीच में। हाँ अब कुछ याद आ रहा है साहब। याद आ रहा है? इसके हाथ में एक बैग था। बैग देखो, अभी प्यार से पूछ रहे हैं, जल्दी से याद आ जाए तो अच्छा है, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हाँ हाँ साहब, एक बैग था साहब। था ना? क्या क्या किया उसने बैग? लगता है साहब उस आदमी का दिमाग खराब था, जाते समय खाली हाथ चला गया। अच्छा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो आदमी वहाँ बैग छोड़कर गया और तुमने जाकर देखा ना उसमें क्या है? माफ करना, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया साहब। जी देखा ना जाके वहाँ पे? जी साहब, मगर इससे पहले कि मैं यहाँ से जाता एक मेम साहब आई और वो बैग लेके चली गई। मेम साहब? देखने में कैसी थी? देखने में तो मेम साहब ही थी। अरे यार चेहरा तो देखा होगा ना उसका। नहीं साहब, चेहरा कहाँ देखा, वो मेरी निगाह तो बैग पे ही थी ना। नहीं देखा? अच्छा ले चलो बेरो, ले चलो। अरे नहीं साहब, उसका कद 5.5 फीट के आसपास में था, रंग गोरा और लंबे बाल। बाकी शक्ल के बारे में मत पूछो साहब, शक्ल मैंने ठीक से देखी नहीं। सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। सर सुधांशु की बीवी और साली 5.5 फीट से कम है, तो ये शायद कोई और ही होगी। इसका मतलब है इस गुनाह में एक लड़की भी शामिल है। हम अंकुश से मिलना चाहते हैं। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। 5 दिन पहले उनकी मौत हो गई है। मौत? I'm sorry. कैसे हुई मौत? आग में जलकर। ये आग कहाँ लगी थी? उनके ऑफिस में। संभालिए अपने आप को। जिस चीज से वो जिंदगी भर डरते थे, उसी चीज ने उनकी जिंदगी छीन ली। मतलब ये अंकुश आग से डरता था? जी हाँ, उन्हें आग का फोबिया था। मुझे लगता है खुनी कोई जान पहचान वाला है, जो अंकुश और सुधांशु के फोबियाज के बारे में जानता था और उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। अच्छा ये बताइए कि अंकुश ने 23 तारीख को कुछ माउंटेनियरिंग का सामान खरीदा था क्या? जी हाँ खरीदा था। हम देख सकते हैं? पर उन्होंने कहाँ रखा है मुझे पता नहीं। अब माफ कीजिएगा, तब तो आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। श्योर। यस। अरे सुधांशु, ये फोटो में सुधांशु है ना? जी हाँ, ये सुधांशु है, अंकुश के बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर? जी हाँ, लेकिन 1 साल पहले इनकी पार्टनरशिप टूट गई। पार्टनरशिप टूट गई? लेकिन क्यों? कुछ आपसी मतभेद। सर पूरा घर देख लिया, माउंटेनियरिंग का सामान कहीं नहीं मिला। मिलेगा कहाँ से? जरूर वो जान पहचान वाला चुरा के ले गया होगा, सुधांशु को मारने के लिए। नम्रता जी, इस फोटो में अंकुश और सुधांशु के अलावा ये दोनों कौन है? वो रितेश है, अंकुश का बहुत अच्छा दोस्त। ये वाला? जी। और ये वाला? इन्हें मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, CID इनका पता लगा लेगी। वैसे ये फोटो है कहाँ की? वेव रिजॉर्ट की। आज से 2 साल पहले 14 अप्रैल 2010 को वहाँ कंपनी की पार्टी थी। वेव रिजॉर्ट, 14 अप्रैल 2010। सर ये रही फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा है अंकुश के ऑफिस में जो आग लगी थी वो पेट्रोल की वजह से ही थी। ओह, मतलब आग लगी नहीं, लगाई गई। पेट्रोल छिड़क के ऑफिस को राख कर दिया। मतलब अभिजीत, खूनी ने अंकुश को वही मौत दी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, आग से। सर, इसका मतलब खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसकी दुश्मनी दोनों के साथ थी, अंकुश और सुधांशु के साथ। सर, शायद कोई बिजनेस राइवल हो। सुधांशु और अंकुश पार्टनर्स थे ना? विवेक, सुधांशु और अंकुश इन दोनों के पार्टनरशिप तो एक साल पहले टूट चुकी थी। चौथे आदमी के बारे में कुछ पता चला क्या? सर, दया लगा हुआ है। और रितेश, रितेश के बारे में? सर, उसके घर पर ताला है और फोन भी बंद है। सर, ये है अंकुश का बैंक स्टेटमेंट। ठीक सुधांशु की तरह अंकुश भी हर महीने के पहले शुक्रवार को अपने अकाउंट से 1,40,410 रुपए निकालता था। सर, हाँ? सुधांशु की तरह अंकुश भी? हाँ सर। मतलब अभिजीत, कोई तो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ सर, कोई कॉमन एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो अंकुश और सुधांशु दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। और जब ब्लैकमेल के पैसे देने बंद कर दिए इन दोनों ने, तो इन्हें रास्ते से हटा दिया। मगर अभिजीत, एक बात खटक रही है, वो रकम, ये ऑड अमाउंट। अभिजीत, अगर वो ब्लैकमेलर चाहता तो उनसे 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख लेता। यही अमाउंट क्यों? ये ऑड अमाउंट 1,40,410, यही रकम क्यों? ओह, तो ये बात है। क्या बात है सर? सर, लगता है इस रकम का राज समझ में आ गया है। ये देखिए, 14,410। तो इस खेल का राज समझ में आ गया अभिजीत। मतलब सर, ये एक तारीख है, 14 अप्रैल 2010। करेक्ट विवेक, ये तारीख हमें अंकुश की बीवी नम्रता ने बताई थी। इसी तारीख पर ये फोटो खींची गई थी, उस रिसोर्ट में एक पार्टी में। मतलब अभिजीत, इस सुधांशु और अंकुश की मौत का राज 2 साल पुरानी पार्टी में दफन है। 14/4/2010। अरे साहब, हमारे रिसोर्ट में हर हफ्ते 1-2 पार्टियां होती रहती हैं। अब 2 साल पहले कौन सी पार्टी हुई होगी, ये बता पाना मुश्किल है साहब। आपकी मुश्किल का इलाज है हमारे पास। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये फोटोज 14 अप्रैल 2010 की है। ओ, ये पार्टी? मैंने कहा था ना, आपकी मुश्किल का इलाज है हमारे पास। आप इस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों, कोई खास बात हुई थी क्या इस पार्टी में? जी। क्या हुआ? हमारे रिसोर्ट में पहली बार पुलिस आई थी इस पार्टी की वजह से। दारू पी के झगड़ा शुरू कर दिया था क्या? नहीं नहीं सर, पार्टी तो शांति से खत्म हो गई थी, लेकिन गड़बड़ अगले दिन सुबह हुई सर। ऐसा क्या हुआ? सर, इस फोटो में जो ये वाले साहब है ना, ये हमारे रिसोर्ट से गायब हो गए थे। पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। फिर मिले नहीं थे क्या? नहीं सर, पुलिस ने काफी ढूंढने की कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। ये नाम क्या है इस आदमी का? इनका नाम कुछ वी से था सर। वरुण नहीं, विजय, हाँ विभोर नाम था सर। विभोर नाम था उसका? नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मौतों का संबंध विभोर के गायब होने से हो? सर, मुझे लगता है इन तीनों दोस्तों ने कुछ गड़बड़ की है, और विभोर के गायब होने में भी इन तीनों का हाथ। विभोर गायब हुआ शायद इसलिए इनके खून हो रहे। 2 साल हो गया विभोर को गायब हुए, आज तक मिला नहीं। आखिर गया तो गया कहाँ? कहीं ऊपर तो चला नहीं गया? रेडी, आत्मा जाती है ऊपर, लाश नहीं। जमीन पे लाश तो मिलनी चाहिए थी ना। इसके परिवार वालों से पूछते हैं, देखते हैं वो लोग क्या करें। अरे साहब, आप उस 2 साल पहले वाली पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम कुछ जानते हो क्या उसके बारे में? हाँ साहब, उस विभोर नाम के आदमी ने उस दिन बहुत दारू पी रखी थी, बहुत बोले तो बहुत, हिसाब के बाहर। तो क्या वो पी के गिर गया था यहाँ? नहीं सर, उसके 3 दोस्त लेकर गए थे यहाँ से। तुम्हें कैसे मालूम? साहब, मैं यही था पार्किंग में। विभोर से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इन्हें पहचानते हो? यही तो थे वो तीनों जो विभोर को लेकर गए थे यहाँ से, और फिर थोड़ी देर बाद वापस भी आए थे। वापस भी आ गए? हाँ सर, लेकिन सिर्फ वो तीनों ही वापस आए। और ये विभोर, ये वापस नहीं आया? विभोर नहीं आया था। विनीत, इसका फोन नंबर ले लो। बस अब पक्का हो गया, उन तीनों ने ही विभोर को मार के कहीं पे गाड़ दिया है और ये सब करते हुए उन्हें किसी ने देख लिया है और एक एक करके सबको ब्लैकमेल कर रहा है और सबका खून कर रहा है। लगता है अगला नंबर इस रितेश का है। रितेश के घर जाके देखा था? हाँ सर, उसके घर पे ताला लगा हुआ था, लेकिन उसका मोबाइल यहीं पे ट्रेस हुआ है, इसी होटल में। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस होटल के मैनेजर? यस सर। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। इस फोटो को देखिए, ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ है? नहीं सर। ध्यान से देखिए, रितेश नाम है इसका। सर, रितेश नाम का कोई भी गेस्ट नहीं ठहरा हमारे होटल में। वैसे आप लोग हैं कौन? CID। सुनो जी सर, ये फोटो देख, इसको देखा होटल? ये तो उस कॉन्फ्रेंस में था सर। कॉन्फ्रेंस? कैसी कॉन्फ्रेंस? एक्चुअली सर, आज हमारे होटल में मरीन इंजीनियर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बाहर से बहुत से लोग आए हुए हैं। कहाँ है कॉन्फ्रेंस हॉल? हॉल नंबर 5 में सर। अभी चालू है कॉन्फ्रेंस? बस 5 मिनट पहले खत्म हुई है। एक्सक्यूज मी, ये जो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर से लोग आए थे वो है क्या अभी? सर, सारे चले गए सर। चले गए? अच्छा, ये फोटो देखो, ये आदमी भी था क्या उनमें? ये तो लिफ्ट के अंदर जाते हुए दिखा सर। लिफ्ट के अंदर? तो नीचे गया होगा। अरे भाई साहब, क्या हुआ? पीछे हटिए, पीछे हटिए। क्या हुआ? लिपल पड़ी हुई है, अंदर आदमी अटका हुआ है। अंदर आदमी अटका है? हाँ। और ये आदमी अंदर है। पीछे हटिए। सचिन, निकालो। माय गॉड, रितेश, रितेश, सांस तो चल रही है। विनीत, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी रितेश की? डोंट वरी, अब कोई खतरे की बात नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल लेके आए, वरना उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आई, सिर्फ लिफ्ट में बंद होने की वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई? वो बात नहीं है, हमें उनके खून से जहर भी मिला है। जहर? कैसा जहर? अब ये तो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बता सकता है, पर लगता है कि बहुत ही स्लो पॉइजन था। अगर कोई जल्दी असर करने वाला जहर होता ना, तो रितेश शायद अभी जिंदा नहीं होते। सर, शायद ये वही स्लो पॉइजन होगा, इथेन सैंडल ट्राइऑक्साइड, जो सुधांशु की बॉडी में मिला था। मुझे भी यही लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रितेश से मिल सकते हैं? श्योर, प्लीज। अरे सर, आप लोग सही वक्त पर मुझे यहाँ नहीं लेकर आते, मेरा तो टिकट ही कट गया था, वो भी बिल्कुल फ्री में। नहीं नहीं नहीं, फ्री में नहीं, पूरे 1,40,410 रुपए में। 1,40,410? ये कैसे? देखो रितेश, अब सच पे पर्दा डालने से कोई फायदा नहीं है। हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट के डिटेल चेक किए हैं। तुम हर महीने के पहले शुक्रवार को 1,40,410 किसे देते थे? मैं? किसे? उसी को जिसे सुधांशु और अंकुश भी पैसे देते थे और जिसने उन दोनों का खून कर दिया। और तुम्हारे ऊपर भी तो हमला किया। मुझ पर किसने हमला किया मैं नहीं जानता, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। कमाल, उस आदमी ने तुम्हें जहर दिया, तुम्हें लिफ्ट में बंद किया, और तुम कह रहे हो कि तुम उसका चेहरा देख नहीं पाए? हाँ? जहर का तो मुझे पता नहीं सर, मैं होटल से बाहर जा रहा था, अचानक पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और मुझे लिफ्ट में बंद करके चला गया। ये सब इतना जल्दी हुआ, मुझे उसका चेहरा देखने का वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, उसने तुम्हें लिफ्ट में ही क्यों बंद किया? तुम्हें लिफ्ट का कोई फोबिया है क्या? लिफ्ट ही नहीं सर, मुझे हर बंद कमरे से डर लगता है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। देखा सर आपने, खून ही सबको दर्द भरी मौत देना चाहता है। उसने सुधांशु को ऊपर लटका दिया क्योंकि इससे वर्टिगो था, और उसने अंकुश को जला के मारा क्योंकि इसे पायरोफोबिया था, और इसे लिफ्ट में बंद कर दिया क्योंकि इसे क्लस्ट्रोफोबिया है। मतलब ये आदमी कोई इनके जान पहचान का ही है, जिसे मालूम था कि किसे किस चीज से डर है। रितेश, कोई नाम आता है तुम्हारे दिमाग में? नहीं सर। हमारे दिमाग में एक नाम आता है। किसका? विभोर। विभोर? आप लोग विभोर को कैसे जानते? हम तो उस पार्टी के बारे में भी जानते हैं जो 14 अप्रैल 2010 को हुई थी वेव रिसॉर्ट्स में। 14 अप्रैल 2010? ये रकम 1,40,410 वहीं से आया है ना? बताओ उस रात क्या हुआ था एग्जैक्टली जिसकी वजह से तुम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से खून हो रहे हैं उस रात? हाँ हाँ बोलो, क्या राज है उस रात का? कहाँ ये विभोर? उस रात विभोर ने बहुत शराब पी रखी थी, उसे सीधे चलने को भी नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सोचा इसको थोड़ा घुमा लाते, थोड़ा ठंडी हवा लगेगी तो शायद शराब का नशा कम हो जाएगा। यही सोचकर अंकुश ने गाड़ी निकाली और हम चारों गाड़ी में बैठकर रिसॉर्ट से बाहर निकल गए। रिसॉर्ट से थोड़ी दूर जाकर एक खाई थी, अंकुश ने गाड़ी वहीं पे रोक दी और हम चारों वहीं पे बैठ गए और बातें करने लगे। क्या बात करने लगे? इधर उधर की बात जो दोस्तों में होती, थोड़ा हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। और थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे के डर के बारे में बातें करने लगे। डर? कैसा डर? हाँ, डर। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है। जैसे मुझे क्लस्ट्रोफोबिया, सुधांशु को वर्टिगो और अंकुश आग से डरता था। विभोर को अल्टोफोबिया था। अल्टोफोबिया? ऊंचाई से डर लगता था उसे? जी हाँ, ऊंचाई का डर, क्योंकि वहां पर खाई थी। हमने विभोर को बहुत उकसाया कि अगर तुझ में हिम्मत है तो तू 2 मिनट उस खाई के पास खड़ा रहे और नीचे देख। ये जानते हुए भी कि उसने शराब पी रखी थी और वो लड़खड़ा रहा था, तुम सबने ऐसा किया? यही तो सबसे बड़ी गलती की हमने। विभोर शराब के नशे में था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में जा गिरा। फिर हम जैसे तैसे नीचे उतरे सर। हमने विभोर को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन विभोर नहीं मिला। तब हमने ये फैसला किया कि ये राज किसी को नहीं बताएंगे। ये राज हम अपने सीने में दफन कर देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खुद को दोस्त कहते हो ना। सर जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। विभोर की मौत का बोझ हम अपने सीने में लेकर घूम रहे। फिर ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 3 महीने पहले अचानक हम तीनों को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था 1,40,410 रुपया हर महीने अगर हमने उस तक नहीं पहुंचाया तो वो विभोर की मौत का राज दुनिया के सामने लाकर रख देगा। अच्छा, आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये पैसे किसके पास जा रहे हैं? की थी, लेकिन सर मुजरिम बहुत चालाक है। वो हर बार पैसे लेने की जगह बदलता था और आखिर में कहता था कि पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब बताने के लिए वो फोन करता था? फोन नहीं सर, चिट्ठी लिखकर टाइम और जगह बताता। वो चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो मैंने जला दी सर। मुझे डर था कि ये चिट्ठी किसी के हाथ में लग जाए। अगर हमें पहले बता देते हैं तो शायद आज सुधांशु और अंकुश जिंदा होते हैं। अच्छा, आप तुम किसी लड़की को जानते हो जिसका कद 5.5 फुट है, गोरा रंग, लंबे बाल? 5.5 फुट, रंग गोरा? हाँ, जरा सोच के बताओ, क्योंकि पैसे का बैग उठाने के लिए वो लड़की आती थी। Oh my God, कहीं ये मनीषा तो नहीं? मनीषा? ये मनीषा कौन है? विभोर की पत्नी। विभोर की पत्नी? कहीं वही तो नहीं कर रही है सब अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए? हाँ? इस विभोर का एड्रेस बताओ। ये विभोर का घर? असर प्योर कर गई। सर जरूर इस सबके पीछे मनीषा का ही हाथ होगा। ब्लैकमेल करके वो अमीर भी बन गई और खून करके अपने पति की मौत का बदला भी ले लिया। अरे सुनिए, आप लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोग CID से हैं। CID? हाँ। क्या बात है सर, आप लोग इस घर में किसे ढूंढने हैं? मनीषा को, विभोर की पत्नी। सर ये घर तो पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं आता जाता। सर सुनने में आया था कि विभोर मर चुका है, ये बात सच है क्या? हाँ लगता कुछ ऐसे ही है। वैसे पिछले 1-1.5 साल में इस घर में कोई भी नहीं आया। नहीं सर। ठीक है आप जा सकते हैं। थैंक यू। 1-1.5 साल से यहाँ कोई नहीं आया तो फिर इलेक्ट्रिक बिल, कुरियर, चिट्ठी कुछ तो होना चाहिए था लेटर बॉक्स में। कुछ नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। निकल जरा देखो लाइट के स्विच कहाँ है। देखा सर, घर में लाइट अभी भी है, कनेक्शन कटा नहीं है। इतना ही नहीं, फर्श भी एकदम चकाचक है। अच्छा तो कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ हर रोज साफ सफाई हो रही है। निखिल जरा ऊपर चेक करना। सर ये देख, फ्रिज में रखा हुआ सामान भी ताजा है। सर ऊपर भी घर एकदम साफ सुथरा है। मतलब ये मनीषा घर में तब आती होगी जब पड़ोसी की नजर उन पे नहीं पड़ती। किसके कहने पे? आइए आइए मिस्टर विभोर, वर्गलोक से नीचे धरती में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो आपने किया अपने दोस्तों के साथ। अपनी झूठी मौत का नाटक करके पहले ब्लैकमेल किया और फिर उन सबको ऊपर पहुंचा दिया। नहीं ये झूठ है। हाँ मैंने उन्हें ब्लैकमेल जरूर किया था, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। क्यों कर रहे थे तुम ब्लैकमेल? क्योंकि मुझे उन्हें सजा दिलानी थी। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला चाहता था मैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी सजा है। उनसे लाखों रुपए ऐंठ के तुम्हें इंसाफ मिल गया। मेरी हालत देख रहे हैं ना आप, चल फिर भी नहीं सकता। नर्क से बदतर जिंदगी बना दी उन लोगों ने मेरी। इसके बदले में थोड़े पैसे मिल गए तो क्या गलत किया? इसी बदले की आग को मिटाने के लिए तुमने अंकुश को आग में जला दिया और सुधांशु को लटका दिया। हा? मैं उन्हें क्यों मारूंगा? उनकी मौत की वजह से तो मुझे पैसे मिलने बंद हो गए। और इस हालत में ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? अच्छा तो कौन है वो आप लोगों का चाहने वाला जो आप लोगों के लिए इन तीनों से बदला ले रहा है? हा? एक बात बताओ, उस 14 अप्रैल 2010 को एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? सोच समझ के बताना। उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था मैं। तभी सुधांशु, रितेश और अंकुश ने मुझे कार में बिठाया और मुझे खाई के पास ले गए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मेरा यही डर दूर करने के लिए उन्होंने मुझे खाई के किनारे खड़ा कर दिया। और फिर शराब की वजह से तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा और तुम खाई में गिर गए? नहीं, मेरा बैलेंस बिगड़ा नहीं था, किसी ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया। धक्का? किसने धक्का दिया तुम्हें? पता नहीं। उस वक्त वहाँ उन तीनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इसका मतलब है उन तीनों में से कोई। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकुश और सुधांशु मर चुके हैं, रितेश की जान जाते जाते रह गई है और विभोर तो इस हालत में है ही नहीं कि वो किसी की जान ले सके। तो सर कौन है वो पांचवा आदमी जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं? हाँ सर, और रितेश पर तो खुद जानलेवा हमला हुआ है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा? सर जरूर विभोर झूठ बोल रहा होगा। उसने अपने पैसे भी कमा लिए और अपना बदला भी पूरा कर लिया। हाँ मगर विभोर झूठ क्यों बोलेगा? विवेक क्यों झूठ बोलेगा वो, जब उसे पता ही नहीं कि किसने उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की? और फिर वो तीन लोगों से बदला लेगा ही क्यों? है बताओ। ये रितेश उस दिन होटल में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था ना? यस सर। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, रितेश आपके होटल में जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था, रितेश, अरे वो जो लिफ्ट में अटक गया था। हाँ जी, हाँ, तो वो जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया था, आपको मालूम है कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, किसकी थी? क्या? थैंक यू वेरी मच सर। रितेश उस दिन होटल में सबमरीन इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। सबमरीन इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस? yes, तो फिर अभिजीत हमारा खूनी मिल गया। वो ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं। ब्लड टेस्ट के लिए? अटेंडेंट को फोन करके बोलो उसे वहीं रोके। पर बात क्या है? वो बोला जाए वही करो, जल्दी। हेलो हेलो। हाँ सुनीता, क्या हुआ? सर वो सीआईडी वाले आए हैं, बोल रहे हैं रितेश को कहीं जाने मत देना। रितेश तो मेरे सामने ही बैठा है, वो कहाँ जाएगा? क्या हुआ? कहाँ गया वो? सर वो बाहर की तरफ गया। तुम ठीक हो? रेडी, डॉक्टर बुलाओ जल्दी। निकल, इस तरफ देखो। दो खून करके सीआईडी से पंगा लेगा तू। आप लोगों को पता कैसे चला कि खून मैंने किया? तुम्हारा झूठ जो पकड़ लिया हमने। तुमने हमसे कहा कि तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब बंद कमरों का डर। हाँ, और अगर ऐसी बात है तो फिर उस दिन वहां होटल में सबमरीन इंजीनियर्स के कॉन्फ्रेंस में क्या करने गए थे तुम? हाँ? इतनी प्लानिंग की, छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा, फिर ये गलती कैसे हो गई? सीआईडी की बातें कुछ ऐसी है, एक छोटा सा सुराग भी काफी है हमारे लिए तुम जैसों का भांडा फोड़ने के लिए। अब ये बताओ, अपने दोस्तों को क्यों मारा तुम? लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग से सुधांशु और अंकुश परेशान थे। वो मुझे धमकी देने लगे थे कि मेरे किए हुए गुनाह का भुगतान वो नहीं करेंगे और सीआईडी को सब सच सच बता देंगे कि विभोर को धक्का मैंने दिया था। मतलब वो दोनों जानते थे कि विभोर को तुमने धक्का दिया? हाँ। वैसे तुमने विभोर को धक्का दिया क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हाँ? क्योंकि उसने मेरा प्यार छीना था। क्या मतलब? मैं मनीषा से प्यार करता था, कॉलेज के दिनों से ही। विभोर को ये अच्छी तरह पता था, फिर भी उसने मनीषा को जाकर प्रपोज किया। और मनीषा ने विभोर का ये शादी का प्रपोजल स्वीकार करके उसे शादी कर ली। हाँ? हाँ। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि विभोर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत विभोर नहीं, तुम चुकाओगे। सलाखों के पीछे फांसी का इंतजार करते हुए, क्योंकि विभोर अभी जिंदा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.